हाय गाइस मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार मैं जो हूँ कुछ दिनों से वीवो वी ट्वेंटी को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद यूज़ करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जो कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाली थी लाइक like, इस फोन के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं लाइक like, डिज़ाइन हो गया कैमरा बैटरी परफॉर्मेंस अगर एक एस्पेक्ट इसका कम है तो बाकी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है मैं आप लोग को बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ एग्जैक्टली exactly में सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों के के रखना चाहूँगा डिज़ाइन का अब एक डिज़ाइन में ट्वेंटी के अंदर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो दिखने में फोन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो भाई ये बिल्कुल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इसका जो रेनबो कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे पास इसका ब्लैक कलर भी है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है तो ये एक इसको टिक कर लो साथ के साथ लाइट वेट होना चाहिए बिल्कुल यार फोन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और थिकनेस कम होनी चाहिए सेवन पॉइंट थ्री की है तो ये जो तीनों एस्पेक्ट है ये इसके डिजाइन के अंदर हमें कवर हुए मिलते हैं और ऊपर से जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखता है तो ओवरऑल यार फोन दिखने में मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया दूसरी बात हम लोगों को एक अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बाकी फोन में नहीं देखने को मिलती अगर मैं आप लोगों से सॉफ्टवेयर की बात करता हूं सॉफ्टवेयर खुद में एक बहुत ही बड़ी बात होती है और उसका भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है तो यहां पर इनोवेशन आ जाती है आई ऑटो फोकस की जिससे क्या है कि अगर आप फोटोज खींचते हो एक तो वो स्पॉट ऑन रहती है चाहे आपकी लो लाइट कंडीशन हो डे लाइट कंडीशन हो उसके अंदर जो आई ऑटो फोकस होता है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी बन जाती है और मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ बहुत अच्छी एनिमेशन आती है और ये फ्रंट कैमरे के अंदर भी है तो जो फोर्टी फोर मेगा का फ्रंट कैमरा है ये फोर रिकॉर्ड करता है बहुत ही अच्छी वीडियो आती है मैं आप लोग को सैंपल दिखाता हूँ हल्का फुल्के से आपको अंदाजा लग जाएगा मैं कर रहा हूँ वीवो वी के स्टडी फेस पोर्ट्रेट वीडियो से आप लोग देख सकते हो यार करके दिखाता हूँ

जो कि एक और बहुत बेहतरीन फीचर है और मैं अगर इतनी बिल्कुल श्योरिटी से आप लोग के आगे कुछ बात रख रहा हूँ ना तो मैंने सच में महंगे से महंगे और सस्ते सस्ते फ़ोन के साथ इसको कंपेयर किया है तब मैं ये वाली स्टेटमेंट आप लोग के आगे बोल रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है तीसरी बात मैं करना चाहूंगा इसके स्नैड्रगन सेवन ट्वेंटी के बारे में अब मैं नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए बेस्ट है लेकिन अगर आप लोग डे टू लाइफ के अंदर नॉर्मल टास्क करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब ट्विटर लिंकड जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स होती है अगर आप वो लोग यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि रैम मैनेजमेंट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अगर आप लोग फ़ोन डेली यूज़ कर रहे हो बार बार ऐप रिफ्रेश ना हो इसकी बहुत अच्छी रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाती है तो ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है लाइक गेमिंग सब कुछ नहीं होता ऑब्वियसली आपका डेली कैसा आप लोग उस फोन को इस्तेमाल कर पा रहे हो क्या आपको वो फीचर्स ला कर दे रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अच्छी बात ये भी है कि एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है इसके अंदर तो जितने भी नए फीचर्स हैं एंड्रॉयड 11 के वो यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं और जो ओवरऑल यूआई है मैंने यूज़ करने के बाद फील की काफ़ी स्टेबल है और स्मूध है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं जितनी भी एप्स खोल रहा था उनकी एनिमेशन यार बहुत ही मतलब बबल और काफ़ी स्मूध तरीके की आती है तो ये मुझे बहुत ही सही लग रहा था लगातार मैंने ऐप्स खोल के देखा जैसे कि मैं दिनों में यूज़ कर रहा था इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर रिसेंट ऐप वाला व टैब खोलता हूँ तब भी बहुत अच्छी स्मूद एनिमेशन और ऐप में स्विच करना भी काफी सही रहता है तो ओवरऑल एक स्टेबल एक्सपीरियंस है नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा बैटरी के बारे में कितने लोग होते हैं भाई जो बैटरी को चार्जिंग ही रहते कि फोन चार्ज करना है खैर अगर अच्छा बैटरी लाइफ हो तो ऐसी लाइफ में हेडेक खत्म हो जाती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस फोन के बारे में यहां पर 33 थ्री वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है जो कि आधे घंटे में 65 परसेंट फोन को चार्ज कर देता है ये खुद में एक कन्वीनियंस है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है बिल्कुल सही बात है और आप लोग को बता देता हूं जो बैटरी बैकअप है फोन का वो एक दिन से ज्यादा चलता है अगर आप इसको हैवी से थोड़ी सी ऊपर यूसेज भी लेते हो इसके अंदर फोटोज खींच रहा हूं मैं वीडियोज बना रहा हूं सारी सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप भी एक बहुत ही सही चीज बन जाती है जो इस फोन के अंदर देखने को मिलती है वैसे चार हजार की बैटरी है बट परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है जो कि ऑप्टिमाइजेशन का कमाल बन जाता है अब नेक्स्ट मैं फिर से बात करना चाहूंगा कैमरे के बारे में आप लोगों को भी बताया था कि फ्रंट कैमरा कितना ज्यादा अच्छा है फोटो फोर मेगा के साथ और अगर आप लोग पोर्ट्रेट शॉर्ट्स लेंस आते हो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ वीडियो के थ्रू ही फ्रंट कैमरे में ही वो भी बिल्कुल पॉसिबल है खैर अगर मैं इसके बैक कैमरे के बारे बात करूं, तो में बात करूँ तो सिक्सटी फोर मेगा का मेन कैमरा है वैसे लेंस भी है अल्ट्रा वाइड भी है जो कि बहुत अच्छी फोटोज़ ले रहे हैं मैं आप लोग को एक बार सैंपल दिखाता हूँ अब यहाँ पर फोटोज़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है इसकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी है मैं आप लोग के ऊपर फोटोज़ छोड़ो मैं एक अच्छी स्टेटमेंट बोलता हूँ जो कि मैंने खुद टेस्टिंग के बाद यहाँ पर मैं ये बोलने वाला हूँ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये वाले जो एल्गोर था इस फोन के अंदर अभी तक किसी भी महंगे फ़ोन के अंदर भी या सस्ते फ़ोन के अंदर ये मैंने नहीं देखे है क्योंकि आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट्स दिखाता हूँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर फोटोज खींच रहा था सन के अगेंस्ट अब यहाँ पर मेरी स्किन टोन से लेके मेरे कपड़े तक भी बिल्कुल फोरग्राउंड के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सपोज है और बैकग्राउंड में सेचुरेशन भी है और अच्छी खासी डिटेल भी देखने मिल जाती है कुछ भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रखा है ये ए वन चीज़ है अगर ऐसी फोटोज़ में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन अगर खींच रहा हूँ तो वाइट बेलेंस तो है ही अच्छा ओवरऑल फोटो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प आ रही है तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है जिससे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोज आ रही है मैंने खुद टेस्ट की है सुपर वाइड एंगल देखने को मिल जाता है मैक्रो लेंस भी है पोर्ट्रेट भी है जो कि बहुत अच्छी फोटोज खींच रहे हैं और ये सारी बातें मैं आप लोग को तब बोल रहा हूँ जब मैंने इसको सच में पूरा अच्छा खासा टेस्ट किया है हर एक फ़ोन के साथ इसके लिए थम्स अप है यहाँ पर नेक्स्ट में आप लोगों से गेमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा अब एग्जाम्पल ले लो कि आप लोग को गेमिंग करनी है और मैंने स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी है जो कि ओके चिपसेट माना जाएगा लेकिन अगर आप लोग जो अच्छा खासा गेमिंग का मजा लेना चाहते हो स्टिल तो यहाँ पर हमें अल्ट्रा गेमिंग मोड देखने को मिलता है अब अब यहाँ पर पता अच्छी चीज़ क्या है कि वीवो ने हार्डवेयर तो अच्छा दिया ही है लेकिन मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर की मदद से चीज़ें ज़्यादा इनहेंस हो रखी है तो ये मुझे एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ लगी थी लाइक अल्ट्रा गेमिंग मोड जो है बहुत अच्छा काम

तो और यहाँ पर 12 महीने की नो कॉस्ट ई भी देखने मिल जाती है और वी शील्ड की कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान भी देखने को मिलेगा तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर हमें फीचर्स नहीं कहूँगा ऑफर देखने को मिलते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो खैर मैं आप लोग में से किसी एक बंदे को गिव अवे कर रहा हूँ ये वीवो वी 20, आप लोग में से कलर कोई भी पूछ सकते हो मेरे पास ब्लैक भी और ये भी है काफ़ी शाइनी कूल और आप में से कोई भी एक बंदा जीत जाएगा बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों के घर तक पहुंचा दूंगा नीचे आपको ग्लीम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ से एंटर कर लो और ऑब्वियसली भाई प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करा करो यार वीडियो और लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे गिव और ऐसी वीडियोज़ में लाता रहता हूँ खैर यहाँ पर सारी कहानी ख़त्म हो जाती है अगले मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग